अस्सलाम वालेकुम। नूरा शेख के YouTube चैनल पर आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ बारिश है। जो मुंबई में रहते हैं या उसके आसपास के इलाकों में, उन्हें पता होगा हाई अलर्ट दिया हुआ है। स्कूल्स की भी छुट्टी है 14 और 15 तारीख को। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसा कि आप इंग्रेडिएंट्स देखकर और सेवई देखकर समझ गए होंगे, आज की रेसिपी है हमारी शीरखुरमे की। सबसे पहले हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है वो एक एक करके देखेंगे। ये हमने लिए चारुली, ये है किशमिश, ये है काजू, इसमें थोड़े बादाम कटे हुए, और ये छुहारे, और बीच में है इन सब का बादशाह असली घी। और ये हमने 1 लीटर दूध को बॉईल करके रखा है। बॉईल करके ये ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पर, और इसमें हमने 4 सब्ज़ इलायची डाल रखी है। गर्म करके ठंडा करने से क्या होता है, दूध का कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें एक हल्का गाढ़ापन आ जाता है। और यहाँ पर लिए हमने रोस्टेड सेवई, ये पैकेट मिलता है मार्केट में। ओके, हमें ज़्यादा नहीं, बस इतनी काफ़ी है। ये दूध की क्वांटिटी 1 लीटर है। 1 लीटर शीरखुरमे के लिए हमने ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम या फिर उससे भी थोड़ी कम ली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी शामिल कर दिया हमने। अब इसमें एक एक करके हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। सबसे लास्ट में हम इसे डालेंगे किशमिश को, क्योंकि ये फौरन फूल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे चारोली, ये है छुहारे, ये है बादाम, ये है काजू। इन्हें सिर्फ हमें रोस्ट करना है। ये हल्के सिक गए हैं, इस स्टेज पर हम ये किशमिश शामिल कर देंगे। और ध्यान रहे इसे ज़रा भी 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू इन्हें स्टिर करते रहना, हमें हिलाते रहना है इसे, वरना हमारे मेवे जल जाएंगे और शीरखुरमे में जला हुआ टेस्ट आएगा। यहाँ हल्के हल्के दूध में मलाई है, और दूध को हमने शक्कर डाल के बॉईल किया था ताकि इससे शक्कर का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। ठीक है, अब हम आहिस्ते से इसमें ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असली घी से शीरखुरमा बघारने का यही एक मज़ा है कि इसमें खुद एक अपना रंग आ जाता है। हमने गैस की आंच को थोड़ी फास्ट कर दी है ताकि ये फटाफट बॉईल हो जाए, और जैसे ही ये बॉईल पे आएगा हम इसमें सेवई ऐड कर देंगे। दूध ऑलरेडी काफ़ी पक चुका है तो हम इसे ज़्यादा और उबालेंगे नहीं, क्योंकि 1 लीटर के ख्याल से इसमें 6 से 7 प्यालियाँ आराम से बन जाती है। और कुछ शेयर करना था आप लोगों से। हमारे पास कोई ख़ास सेटअप नहीं है, बस हमने अपने घर के कुछ जुगाड़ से ही, हमारे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, मोबाइल फ़ोन से ही हमने ये शुरुआत की है। देखते हैं कहाँ तक आगे जाता है। और आप सब लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में,
और दुआ कीजिए हर एक की परेशानियाँ, जो इंसान परेशान है उनकी तमाम की परेशानियाँ दूर हो जाए। बारिश में मज़ा तो काफ़ी आता है, बट इस मज़े में हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों को सज़ा मिल रही है, जिनके घरों में पानी आ जाता है, जिन्हें बहुत परेशानियाँ होती है, जिन्हें बहुत दिक्कत होती है, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिन्हें रहने सोने खाने पीने का भी होश ठिकान नहीं रहता है। तो हमें इस सिचुएशन में उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला सबके साथ खैर के मामले करें, है ना। क्योंकि हम अक्सर मैंने देखा है कि बारिश में लोग काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब घूमना फिरना खाना पीना इस तरफ सबका ज़्यादा रुझान बढ़ जाता है, पर हमें अपने शौक़ और अपनी खुशी के साथ साथ उन लोगों को भी दुआओं में याद रखना चाहिए जो इन बारिश की वजह से और बारिश ज़्यादा होने की वजह से जिन्हें बहुत सारी माली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारे शिरखुरमे में बॉइलिंग आना स्टार्ट हो गई है, बस बिल्कुल यही स्टेज पे हमें सेवई शामिल करनी है। सेविंग चूँकि हमारी रोस्टेड थी इसलिए हमने अलग से रोस्ट नहीं किया है। बाज़ औक़ात क्या होता है, मार्केट में रोस्टेड सेविंग नहीं मिलती है, तो हमें पहले रोस्ट करके सेविंग को निकालना होता है, फिर शिरखुरमे का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। बट ये हमारी सेवैयाँ रोस्टेड थी इसलिए हमें इसमें आसानी हो गई। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस सेविंग नरम हो जाए बस, क्योंकि गैस बंद करने के बाद खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है। जब दूध अच्छा पका हुआ रहता है तो हमें किसी ख़ास किस्म के मिल्क मेड या फिर किसी भी मावे की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएगा। बस बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा और इसे पकाएंगे तो ये बंद करने के बाद खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, इसे मैं एक बार डिश आउट करके भी आपको बताऊँगी।